एमएसएमई को ऋण और अग्रिम भुगतान पर उच्च ब्याज दर की मांग कम करने को एनबीएमसी पर जताई चिंता। सांसद गोपाल सेठी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांता दास को लिखा पत्र। मुंबई के बाणगंगा टैंक में मरी हुई सैकड़ों मछलियां पाई गई। यह घटना जो है सुबह सोमवार की बताई जा रही है, जहां मुंबई के वालकेश्वर मंदिर में बाणगंगा जल टैंक से लगभग सैकड़ों मरी हुई मछलियां पाई गई। मुंबई में खराब हो रही है हवा। मानसून की विदाई के बाद मुंबई में वायु गुणवत्ता स्तर में गिरावट शुरू। मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग ने 3700 किलोग्राम जब्त सिगरेट को किया नष्ट। 12 अक्टूबर 2023 को मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क ने मुंबई अपशिष्ट प्रबंध लिमिटेड तलोजा की भस्मक सुविधा में 2 करोड़ रुपए मूल्य की जब्त की। महाराष्ट्र में टोल नाकों को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। टोल नाकों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आक्रामक रुख अपनाया। मुंबई में फाल्गुनी पाठक की गरबा नाइट के नाम पर 156 युवकों से लाखों रुपयों की ठगी। दिवाली छठ पूजा के लिए 12 विशेष वातानुकूलित ट्रेन चलाई जाएंगी। त्योहार के समय यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। पुलिस की जमीन बेचने के मामले में घिरे अजीत पवार, डिप्टी सीएम को दी सफाई। अब 10 दिन बाद या तो विजय जुलूस निकलेगा या मेरा अंतिम यात्रा, मनोज जरांगे का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम। देश के कई हिस्सों में कम हो रही है भाजपा की राजनीतिक ताकत। शरद पवार बोले, चुनाव के बाद तस्वीर होगी साफ। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।